वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है मैंने, आईटी इंजीनियर हूँ मैं, आईएम से सेक्टर 5 से किया है। मैं दिल्ली में भी 5 साल था, वहाँ पे भी थोड़ा काम भी करता था, कुछ पढ़ाई भी कर रहा था। बट जब वापस आया सब छोड़ छाड़ के, तो सोचा कि कुछ बिज़नेस करना है, और फूड बिज़नेस में इंटरेस्ट था, तो ऑब्वियसली बिरयानी कोलकाता में अच्छा, उससे अच्छा क्या बिज़नेस हो सकता था, इसलिए फूड में गया, तो बिरयानी से स्टार्ट किया। और बिरयानी जो है कोलकाता के लिए एक इमोशन है, और मेरे लिए भी खास करके एक इमोशन रहा शुरू से, क्योंकि घर से लेके घर के हाथ का बाहर से हम लोग बहुत बिरयानी लवर है, तो इसलिए जब बिज़नेस किया तो बिरयानी से स्टार्ट किया। ये कोलकाता स्टाइल बिरयानी है, हल्का येलोइश वाइट राइस जो होता है उस पर है, ज़्यादा ब्राउन कलर पे नहीं है, येलोइश वाइट ब्राउन, एकदम ऑथेंटिक जो यहाँ पे कोलकाता स्टाइल चलता है, जैसा लोग पसंद करते हैं, आलू के साथ वैसा ही है। आलू फ्राई हो चुका है हमारे, ये चिकन फ्राई किए हैं अभी, इसमें 18 पीस चिकन जाएगा, ये मटन, हाँ ये मटन, ये देखिए पीस, कितना कितना ग्राम का होगा, ये 120 ग्राम का होता है। तो ये तेल जा रहा है इसमें, हाँ रिफाइन ऑयल, बस एक ही बात होता है, हाँ एक ही बात, उसके बाद चावल के बाद एक बार जाएगा तेल। ये है बिरयानी का झोल, ये है बिरयानी मसाला, इसमें क्या क्या है, ये है आलू बखारा, ब्राउन प्याज है और मावा है। कोई क्वांटिटी नहीं होता ना, अपने हिसाब से देते हैं, हाँ अपने हिसाब से डालते हैं। अब नमक डाल दे, पसाओ चावल के लिए, हाँ चावल के लिए, क्या क्या डाल रही थे इसमें, लौंग इलायची जाता है। चावल कितना किलो है ये, 5 केजी है, 5 केजी, हाँ 40 प्लेट में 5 केजी चावल, हाँ देखिए। अब यहाँ पे हमारा चावल पूरा कंप्लीट हो गया है, अब ये जा रहा है हंडी, हाँ 75% तक कंप्लीट है, और 25% हंडी में पकेगा। ये है जफरान, कुछ नहीं, नहीं अब मसाला नहीं, सिर्फ इसके ऊपर एक डब्बू सिर्फ रिफाइन तेल जाएगा बस, दूध बटर नहीं कुछ नहीं। चलिए अभी कितना देर के लिए ये दम पे जा रहा है, ये कम से कम 15 मिनट के लिए, 15 से 20, जब तक बिरयानी दम हो रहा है तब तक हम कबाब लगाते हैं आपको। मैं अफ़गानी तंदूरी हाफ खिलाता हूँ, अफ़गानी जो है मेरा सबसे अच्छा कबाब, बेस्ट सेलिंग है, और फीडबैक भी उसका बहुत अच्छा है, और एक टिक्का ज़रूर खिलाता हूँ आपको। सो ये है अफ़गानी कबाब, अफ़गानी तंदूरी, पहले तो इसको खाना चाहिए, इसका प्राइस क्या रखे आप? ये 200 हाफ है, 320 फुल है, 320 में 4 पीस आएगा, 2 लेग 2 चेस्ट, इसमें चटनी फुल है, जो टिपिकल चटनी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अफगानी कबाब नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारा बटर वगैरह मार के मलाई मार के बनाते हैं, आपका ये अफगानी कबाब जो है वो एकदम सिंपल तरीके से बनाया गया, उतना नहीं डाला गया कि जितना आप सोच रहे हो कि ये एकदम खराब कर देगा सब कुछ, नहीं बहुत स्टाइल जो होता है ज़्यादा ही ओवर एक्सेस, हाँ वैसा नहीं, कुछ नहीं है एकदम सिंपल, और यू नो चिकन का स्वाद बरकरार है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना बटर और वो जो डालते हैं ना क्रीम उसमें उसमें ही ख़त्म हो जाता है। आप ये चीज़ एक नहीं फुल खा लोगे 320 रुपये देकर, क्योंकि बनाए ही ऐसे खाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, बहुत मज़ा आया। और ये खाने के बाद ना
आपका भूख जो है वो बहुत और यू नो बढ़ जाएगी खाने का। ये चटनी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे से बनाई। मैं ज़्यादातर चटनी में खाता नहीं हूँ, टेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और ये रिपीट में मैं खाऊँगा। लवली, ये कौन बनाया कौन नहीं फर्स्ट क्लास। और चलिए अभी इसको ट्राई करते हैं, टिक्का 6 पीसेस। ये देखो भाई, कबाब का असली जो खेल है ना वो है इसमें मैरिनेट में। कितना अच्छा मैरिनेट हुआ है और यू नो कितना अच्छा इसको पकाया गया। आप नुसरत में आने के बाद ये तो नहीं सोचो कि ये जला डालेगा, लेकिन आप ये ज़रूर देखोगे कि कितना बढ़िया से इसको पकाया है ना, यही एक्सपेक्टेशन सबका रहेगा। आप रोटी से खाओ तो भी चलेगा, चटनी से खाओ एक्सीलेंट। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और भी खाना है दिखाता हूँ। तो बिरयानी कम्प्लीट। चावल देखिए सर, सुगंध निकला है। हाँ गई है एक आध पीस चिकन है, मटन वाला गोबर लगे मटन सही है भाई साहब। बिरयानी हो गया है रेडी, कटिंग बटिंग ख़त्म, प्लेट लगवा रहे हैं और खाएंगे ऑथेंटिक कलकत्ता स्टाइल बिरयानी। कैसे पकाते हैं वो तो हम दिखा दिए, खा के भी बताएंगे कैसा है। सादा राइस, येलो राइस, देन है मसाला वाला राइस, ठीक है भाई। ये होता है बिरयानी को लेकर पैशन। एक पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी जब बिरयानी बनाते हैं, वो भी बिरयानी लवर, इतना प्यार करते हैं बिरयानी को, और जब वो ही आपको प्लेट में सजा के देगा ना, अपना प्यार इजहार करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि बिरयानी कितना टेस्टी होता है। और एक बात भाई, आप जब भी बिरयानी खाओ गर्म गर्म ही खाना। बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि बिरयानी खाएं ठंडा होने के बाद तो वो उल्टा पुल्टा हो गया। भाई ठंडा क्यों खाना है तुमको, पहले तो मुझे ये समझने दो कि तुमको ठंडा क्यों खाना है। कोई भी खाना घर में खाते हो ठंडा खाते हो क्या? नहीं ना, तो बिरयानी भी गर्म खाओ ना, कुछ कोई भी खाना खाओ गर्म खाना खाओ। अंडा, आलू और राइस, भाई ये है कुछ मटन, ठीक है रियाजी पीस, और ये बहुत ही है गरम। भाई मटन इतना गरम है ना, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो कबाब में जो अफगानी कबाब है वो मैंने लिया, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत ही लाइट है। सो सॉलिड। तो राइस से खाते हैं, यदि हमसे पूछा जाए कि नुसरत का स्पेशलिटी क्या है, कि भाई इनका खाने का ना हर एक चीज़ डालने का सटीक परिमाप एकदम बराबर डालते हैं, इतना सा ज़्यादा नहीं कुछ नहीं डालते, मतलब ज़्यादा ये डाल दिए ज़्यादा वो डाल दिए दिखाने के लिए, एकदम नहीं,
सटीक परिमाप ही यहाँ का की है, स्पेशलिटी है। कुछ भी खा लो बहुत अच्छा लगेगा, स्मूथ लगेगा, सिंपल से लगेगा, टेस्टी लगेगा। खाने का जो चाह है, क्रेविंग्स है, वो और भी इंक्रीज करेगा। तो चलो मटन को एक बार तोड़ते हैं। ये है कुछ सीन यहाँ का मटन का, एकदम नरम फुल रियाजी मटन, साथ में है बहुत ही गर्म। इसको पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं। 230 रुपये में इतना बढ़िया मटन का क्वालिटी शायद ही आपको दूसरा दुकान में मिले। और भैया बोल रहा था कि जो टीम है ना, जहाँ से मटन लेकर आते हैं, वो कलकत्ता का नंबर वन मटन का सेलर है, वहाँ से ये प्रोक्योर करते हैं। तो मटन, आलू, राइस, साथ में अंडा और प्याज, एक बिरयानी बाइट लेते हैं और ख़त्म नहीं करते, और आगे भी बहुत सारे आइटम्स है दिखाएंगे आप। क्या क्या है दादा? ये मटन स्टू है, चिकन चाप। ये है चिकन चाप, इसका प्राइस कितना है? 150। और ये मटन स्टू। अच्छा, ये वो टिपिकल अपना जो न्यू मार्केट में मिलता है ना, जो असलान आमिनिया वगैरह उधर सिराज में। रोहमानिया बंद हो गया? वो भी है यार, शायद आप लोगों को ये नाम पहली बार लगे कि भाई रोहमानिया ये सब। लेकिन हम लोग जब छोटे थे ना, तब इंडियन, आलिया, सबीर देखने में लाजवाब। जो लोग कमेंट कर रहे हो भाई इतना नहीं खा मर जाएगा, भाई बिना खा के मरने का क्या फ़ायदा भाई, खाना वाना खा के फिर मरेंगे, ठीक है। और मैं आपको भी बोलता हूँ कि खाना खाओ, उसके साथ साथ क्या है ना, थोड़ा जिम जिम किया करो भाई। मैं शुरू किया इसलिए बोल रहा हूँ। टिपिकल जैसे कलकत्ता में मिलता है वैसा नहीं है। अलग है, लेकिन वही सिंपलिसिटी इन्होंने बरकरार रखा है इसमें। सर चिकन सर क्या ट्राई करें, चिकन तो यहाँ का लाजवाब है, एकदम नरम, पकड़ने से ही टूट जा रहा है। इसका दाम है 150 रुपये। और हमको इधर ना कोई पेड़ नहीं सर, हमको इनवाइट किया गया, कि हमको मैसेज किया गया कि दादा यदि आप इधर आओ, आप बिरयानी खाओगे, हम लोगों का आइटम खाओगे, को पसंद आए, मज़ा आए। और उनका जो ये दावा है वो एकदम सच है। इधर कोई पेड़ प्रमोशन मैं करने के लिए नहीं आया हूँ, मतलब खाना खा के आपके साथ शेयर करने के लिए मैं इधर आया हूँ, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली अच्छा है, मज़ा आ रहा है। मटन स्टू, चलिए मटन स्टू जो है उसको करते हैं ट्राई। ये बहुत ही खास होता है अपने कलकत्ता में। पहले तो ग्रेवी से ट्राई करूँगा। कमाल का है भैया, बिरयानी के साथ सेकंड कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो, देखो ग्रेवी ऐड है मैं, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है मटन स्टू। मतलब बंगला में बोलते हैं ना कि मैंने असाधारण, इट्स ऑसम, हाँ, आउट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इसमें भी वो जो बोटी यूज़ किया गया वो रियाजी बोटी है। एक बार में इसको बाइट लेते हैं। इट्स लाइक किस, जब आप किसी से प्यार करो, मोहब्बत करो, पहला जो किस आपको दे, लिप किस, वो वाला जो फील है ना, वो जहन में आ रहा है। एकदम हड्डी तक निकल गया सर। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पर खाना खा के, और जो खाना मुझे अच्छा लगता है उसको मैं भर भर के प्रमोट करता हूँ कि आप लोग आओ एक बार, बस एक बार अपना पैसे से खाना खरीद के टेस्ट करके देखो और इस अच्छे खाने का मज़ा लो। एक अच्छा बिरयानी का खोज जारी रहेगा। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक
और पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।